हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। माय नेम इज स्मित एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जहाँ पे पिछली वीडियो में हमने पॉज किया था गेम को, वहीं से आज हम लोग अपने एक्टिविटी रिज्यूम करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी कौन सा स्टेशन है, पवरे पित्तई स्टेशन पे हम लोग ने अनशेड्यूल हॉल्ट किया था, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी नहीं हो जाए ज़्यादा इसके लिए। और यहाँ से सुलूरू पित्ता कुछ 40 किलोमीटर्स के आसपास है, तो देख लेते हैं ट्रैक मॉनिटर में। हाँ, तो 44 किलोमीटर है सुलूरू पित्ता। तो वहाँ तक हम लोग हमारी, और आप लोग को नहीं पता हो कि हम लोग कौन सी ट्रेन चला रहे हैं, अगर आप नए हो तो ज़रा लेफ्ट साइड देख लीजिए। ये है चेन्नई सेंट्रल से अहमदाबाद चलने वाली नवजीवन एक्सप्रेस, जिसका रोड नंबर है 12656। और हमारे, चलिए पहले यहाँ से डिपार्ट करते हैं, हम लोग को ट्रेन लेट नहीं करवानी है, तो हॉकिंग करके डिपार्ट करते हैं। और हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है SKC घी लिवरी WAP 7, जिसका रोड नंबर है 37482। और ये बनाया है भाई तमिल रेल गेमर ने। तो अगर आपको ये लोकोमोटिव चाहिए तो उन्होंने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है ये लोकोमोटिव के रिलेटेड, तो आप जाके रेफरेंस ले सकते हैं वो वीडियो का। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कोई आगे कोई लूप लाइन में हमें एंट्री तो नहीं है, तो एक्सेलरेशन 67% कर देते हैं। और ये है हमारी नवजीवन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को एंड तक देखा होगा, तो लास्ट में मतलब माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस बार नहीं हो, वो पूरा ध्यान रखूँगा। अभी मेरे को माइक ऑनलाइन ऑर्डर तो करना है दोस्तों, लेकिन कोविड केसेस इतने बढ़ रहे हैं ना, तो कोई रिस्क मैं लेना नहीं चाहता। मतलब कोई डिलीवरी बॉय आएगा और इधर उधर से कुछ हो गया, इससे अच्छा अभी थोड़े टाइम माइक के बिना काम चला लेते हैं। चलिए डोर व्यू से ट्रैवल करते हैं। और भाई सेट करना आ गया है डोर व्यू, तो कर लेते हैं। पहले ये कर्व देख लीजिए आप, बढ़िया हमारी पूरी ट्रेन LHV 5 हो गई है। और दोस्तों, आखिरी जो मतलब वीडियो, मतलब जहाँ तक एक्टिविटी खेली थी अपन ने, उसमें हमारी सिर्फ एक ही क्रॉसिंग हुई थी, तो इस बार थोड़ा दुआ करेंगे कि अच्छी खासी क्रॉसिंग हो जाए। और ये हमारे राइट साइड देखिए कितने अच्छे हैं, मेरे को लग रहा है ये चावल का खेत है, बहुत बढ़िया। हाँ दोस्तों, और ये रूट का नाम है सदर्न GT SR GT। और ये रूट की आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्टिविटी भी ट्रेन सिम पे अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स। चलिए दोस्तों, अब 100% टोटल कर देते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने जो स्पीड लिमिट है वो 130 किलोमीटर पर आ रखेंगे, ट्रैक मॉनिटर में वो 110 है, तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो एक्टिविटी है ये 2 साल पुरानी है, और 2 साल पहले नवजीवन एक्सप्रेस में ICF कोचेस लगते थे, लेकिन हमारे पास में हम लोग ने कंसिस्ट को अपग्रेड कर दिया है LHV 5 में, तो 130 तक ये कोचेस की लिमिट होती है, तो उतना चलाएंगे।
अभी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है और सीनरी भी अच्छी खासी है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ कि ट्रैक पे घास फूस उग गई है, ये कोई बात नहीं। और भाई हमारे WT7 का एक्सेलरेशन तो एकदम ज़बरदस्ती होगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। चलिए लेफ्ट साइड चलते हैं। हाँ, ये कर्व देखिए आप, बहुत बढ़िया पंकिंग तो कर रहे हैं लेकिन इतना पीछे तक आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। ये रूट सही में बहुत अच्छा है दोस्तों। और फ्रेंड्स, ये रूट में सिर्फ विजयवाड़ा तक नहीं, बेंगलुरु तक भी कवर किया गया है, KSR बेंगलुरु। और मेरे को कोई ट्रेन दिख रही है क्या आगे? ना ना, कोई स्टेशन होगा। चलिए थ्रॉटल को थोड़ा 53% कर देते हैं क्योंकि हम लोग 130 के करीब पहुंच गए। और भाई बहुत खतरनाक स्पीड मारने वाली है हमारी ट्रेन, जो इस स्टेशन को नाम पढ़ने की ट्राई करेंगे। गुमित दी पुड़ी, माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। और भाई मेन लाइन से क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉसिंग मतलब स्किपिंग हो रही है स्टेशन की, ज़बरदस्त एकदम। एकदम रियल लग रहा था ये क्रॉसिंग। अरे भाई हाँ, ये कर मतलब लॉकडाउन में घर बैठे भी जो रेल फैंस है वो जर्नी का मज़ा ले सकते हैं। और भाई खतरनाक, हमें तो अभी ग्रीन पे ग्रीन ही सिग्नल दिए जा रहा है। अरे भाई ये आगे ट्रैक चेंज देखते, बहुत ज़बरदस्त है। पता नहीं ये ट्रैक्स की अरेंजमेंट हमें अभी इतना भी नहीं पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब मेरे को लग रहा है कि कोई क्रॉसिंग हो रही है। और ये आज हमारे अपने इस वीडियो की पहली क्रॉसिंग होगी, BCNHL फ्रेट ट्रेन WAG7 के साथ। भाई अकेला बहुत लोड ले रहा है WAG7, चलिए डोर व्यू से इंजॉय करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, चलिए अच्छा लगा कि क्रॉसिंग तो हो गई। अरे ये अपन कैप व्यू में आ गए, बाहर चलता है। चलिए ट्रेन को स्पॉट करते हैं। बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों ये जो कोचेज है LHB, ये BSAM है, ये भी एक ट्रेन सिम पे अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक और स्टेशन की क्रॉसिंग एलाबूर। और दोस्तों ये देखिए, ये गैप देखिए प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच का, हालांकि ट्रेन पूरी की पूरी अंदर चली गई है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इतना नज़दीक सही लगता है, वरना कोई कोई जगह बहुत दूर होता है ना, तो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता। और भाई बहुत अच्छे खासे स्टेशन आ रहे हैं, गली भी आ रहे हैं और ब्रिज भी है भाई आगे। और जो अपने आगे है ना उसको DTF, अरे भाई ये क्या देख लिया, WAG7
जो सुपर फास्ट को हॉल कर रहा है चेन्नई सेंट्रल पैसेंजर। वाह भाई, यहाँ की पैसेंजर जबरदस्त है, LHB कोचेस वाली। एकदम अनएक्सपेक्टेड क्रॉसिंग हो गई दोस्तों, दिखी ही नहीं क्योंकि दोनों ट्रैक्स के बीच में बहुत गैप है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा देख के। दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी अब वो डीजल लोकोमोटिव के साथ बनाऊंगा। बहुत इलेक्ट्रिक हो गया, अभी डीजल के साथ बना लेंगे। सच बताओ तो मेरे पर्सनल फेवरेट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही है, इसलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ मैंने वीडियो पब्लिश किया। लेकिन आप लोगों का ख्याल भी रखना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो डीजल के साथ रहेगी। एक्सप्रेस ट्रेन की ICF कोचेस रखेंगे उसमें दोस्तों। बहुत बढ़िया क्रॉसिंग, तालाब है तालाब कह लो नदी कह लो, अभी हमें पता नहीं है, हम लोग साउथ इंडिया से बिलोंग नहीं करते इसलिए। हाँ कर्व आ रहा है तो उसको न्यू व्यू पे चलते हैं अभी। हाँ ये व्यू, तो अगर आप रियल लाइफ में भी ट्रेन में जर्नी करो ना तो ये व्यू देखने में बहुत मज़ा आता है। मेरे को लग रहा है दोस्तों अपन लोग बिफोर टाइम सुलू पे तक पहुँच जाएंगे, जिस हिसाब से अपनी ट्रेन कॉन्स्टेंट स्पीड में चली जा रही है। और एक और क्रॉसिंग भाई साहब, आर्मी फ्रेट है भाई, आर्मी फ्रेट टू चेन्नई, ड्यूअल WAG-7 है दोस्तों। ये आर्मी जबरदस्त लोडेड थी भाई, फुल्ली लोडेड आर्मी फ्रेट। अरे भाई एक और कर्व आएगा तब तक डोर व्यू पे चलेंगे। और फ्रेंड्स नव जीवन में एक पेंट्री कार भी है। नव जीवन एक्सप्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेन बन जाती है दोस्तों जब वो वेस्टर्न लाइन में आती है। ये ट्रेन डेली चल चेन्नई टू अहमदाबाद एंड वाइस वर्सा, तो भी मतलब इतनी फुल रहती है ना ये ट्रेन की, आप टिकट मिल ही नहीं सकता। अगर आपको पसंद आपको एक या दो हफ्ते पहले तो करवाना ही पड़ेगा, अगर आप एकदम अर्जेंटली करवाओगे तो नहीं मिलेगी आप। और एक और स्टेशन स्किप करेंगे हमारी नव जीवन एक्सप्रेस के साथ। बहुत बढ़िया रूट। हाँ ये कोई अच्छा खासा स्टेशन लग रहा है भाई, लूप लाइन भी है। अरंबकम, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी मांग ही लूंगा क्योंकि इधर उधर निकल जाता है भाई। दोस्तों अगर हम लोग कोई स्टेशन स्किप कर रहे हैं, हम लोग हॉन्किंग करना तो भूल ही जा रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट स्टेशन से ध्यान रखना पड़ेगा। हेडलाइट ऑन कर लेता है दोस्तों।
पूरी कर्व ले रही है हमारी टीम। इतना शार्प तो नहीं है लेकिन काम चला वो अच्छा है। ये क्या है भाई, रास्ते में कुछ दिख रहा है? अरे भाई साहब, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो वो कोई पेड़ का स्टेम था। इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं। पता नहीं ये दो ट्रैक्स के बीच में इतनी गैप क्यों है। भाई हमारे एलएचबी कोचेस का सस्पेंशन बहुत जबरदस्त है। आप देख रहे होंगे बोगी वाइब्रेट कर रही है लेकिन कोचेस इतना वाइब्रेट नहीं कर रहा। इसको अगर बोगी आपको समझाना चाहूँ तो बोगी सेट ऑफ व्हील्स, ये चार है व्हील्स लगे हैं एक सेट में, वो बोगी कहलाती है। तो गलती से मैं वन प्रेस कर देता हूँ तो अपन लोग कैब व्यू में चले जाते हैं। और भाई अभी 17 किलोमीटर की बचा हुआ है हमारा सुलूर पेता, फिर गुदूर, और हमारी नवजीवन एक्सप्रेस की ड्यूटी हमको भाई सुलूर पेता तक की मिली थी। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। पहली वीडियो शंटिंग की थी और दूसरी वीडियो में हम लोग जहाँ से आज किया वहाँ तक खेले थे। तो मैं आपको आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। और पहली वाली वीडियो तो मस्त देखना, शंटिंग वाली। और भाई एक और क्रॉसिंग हो रही है भाई, फ्रेट ट्रेन ही आ रही है आज WAG-7 के साथ, बॉक्सर एचएल मदुराई। भाई कलर देखिए आप कंसिस्ट का, एकदम इसके बाद एक चेंज हो रहा था, ब्राउन ब्लू ब्राउन ब्लू। बहुत मेहनत लगी होगी बनाने में जिन्होंने भी बनाया है। मेहनत तो क्या, पेशेंस होना चाहिए कुछ भी करने में। और एक और स्टेशन भाई क्रॉस कर रही है, हाँ टाडा, ये एक स्टेशन का नाम है जो मैं बिना गलती के प्रोनाउंस कर गया। टाडा भाई हॉन्टिंग कर लेते हैं स्टेशन मास्टर साहब। हमारे पास फ्लैग तो नहीं है कि फ्लैग एक्सचेंज करे, हॉन्किंग से ही काम चला लो। और भाई ट्रैफिक बहुत है, चलो अच्छा है रुके तो हुए, लेवल क्रॉसिंग पे रुकना ही चाहिए। वरना ट्रेन एक्सीडेंट लेवल क्रॉसिंग पे सिर्फ गेम में नहीं होते दोस्तों, रियल लाइफ में भी बहुत होता है। पब्लिक को इतनी अवेयरनेस नहीं है उसके रिलेटेड, तो होनी चाहिए भाई। 2 मिनट लेट हो जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। अरे भाई ये आपने देखा, ग्रास एकदम हवे में थी, पता नहीं क्या हो गया था। और भाई सुलूरु पेता अब सिर्फ 10.9 किलोमीटर रह गया है।
हमने भाई 53% पे कांस्टेंट रखा था और हमारी ट्रेन भी डेविएट हो रही थी 120 और 1 पे, वो भी जब स्लोप आ जाता था उसकी वजह से हो रहा था, तो इसमें कोई ज़्यादा हमारी बात नहीं रही इस बार। अगर हमें थोड़ी थोड़ी देर में स्टॉप मिलता रहा दोस्तों, उसी टाइम ट्रेन को कंट्रोल करना मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में तो आप एक कांस्टेंट वैल्यू पे रख दो टोटल को चल जाएगा। और एक और क्रॉसिंग भाई फ्लैट बेड ये WAG 5 के साथ, और ये फ्लैट बेड में ये जो हमारे ट्रैक्स के नीचे सीमेंट के जो ब्लॉक्स रहते हैं, पता नहीं ब्लॉक कहेंगे या कुछ और, वो लेके जा रहे हैं WAG 5 के साथ। और अभी आप जैसे कि ट्रैक मॉनिटर में देख सकते हैं स्लोप है 0.3% का, इसलिए हमारी ट्रेन की स्पीड डिक्रीज हो रही है। और भाई आगे एक और स्टेशन दिख रहा है, हाँ ये कोई छोटा सा स्टेशन है, और स्टेशन पे बोर्ड भी नहीं है भाई, नाम कैसे पढ़ूंगा अब इसका। चलिए कोई बात नहीं, फ्लैट 120 किलोमीटर पर आर चली जा रही है। दोस्तों अब मेरे को ऐसा लगता है कि थ्रॉटल को क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि अभी 5.4 किलोमीटर से बचा हुआ है सुलुरु पे था। और आप जैसे कि ट्रैक मॉनिटर में देख सकते हैं ट्रैक चेंज है और स्पीड भी 80 के अंडर करनी पड़ेगी, तो चलिए अच्छा हुआ अपन ने थ्रॉटल क्लोज कर दिया, और ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेकिंग भी चालू कर देंगे। अरे भाई साहब स्टेशन देख सकते हैं आप ट्रैक मॉनिटर में दिख रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी घास भाई ट्रैक के बीच में, मेंटेनेंस सही नहीं है लगता है। बहुत बड़ी घास थी भाई वो तो। चलिए अब ब्रेकिंग कर ही लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग भी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया कर्व ले रही है भाई हमारी ट्रेन, और साइड में कोई लेक है, बीच क्रॉस करी हमारी ट्रेन ने अभी। आई थिंक अपन सुलुरु पेता की टेरिटरी में एंट्री लेने ही वाले हैं, और एक और भाई रिवर आ गई, हाँ ये रिवर ही है शायद माफ करना जो भी हो। भाई अपन ने थोड़ी देर में मतलब अभी 1 मिनट के अंदर दोनों तरफ कर्व ले लिए, पहले राइट अभी लेफ्ट, और लेफ्ट में कर्व लेते ही हम लोग 2 किलोमीटर से डिस्टेंस बचा है सुलुरु पेता से। और मेरे को सुलुरु पेता होम सिग्नल नज़र आ रहा है यहाँ से, ट्रैक मॉनिटर में भी नज़र आ रहा है और वैसे भी नज़र आ रहा है स्क्रीन पे।
भाई एक और क्रॉसिंग। चलिए आज अच्छी खासी क्रॉसिंग हुई है सब बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें फ्रेट ट्रेन ही दिखी है। चलिए ऐसा समझ लीजिए कि लॉकडाउन होगा इसलिए ज़्यादातर फ्रेट ट्रेन ही दिखी। और एक और पार्सल ट्रेन विलुपुरम WAG 9, ये कौन सा शेड का है वो तो बता नहीं सकता। PKD WAG 9 और पार्सल रेक्स के साथ जा रही है। ये अच्छा है पार्सल पहुँचाइए आप, कोविड टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए टाटा बाय बाय, लास्ट क्रॉसिंग हमारी आज की। और भाई सुलुरुकुटा में हमें लूप लाइक में जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। फ्रेंड्स आज की जर्नी नवजीवन एक्सप्रेस के साथ यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारी YouTube चैनल को। अच्छे खासे वीडियोस देखने के लिए बस मेरे को टाइम कंसिस्टेंट रहना है, मैं कुछ ज़्यादा ही देर कर देता हूँ वीडियो पब्लिश करने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ। भाई पूरी ट्रेन, चलिए अभी 2-3 कोचेज है जनरेटर कार के साथ आ जाएगी और शानदार हमारी ट्रेन एंट्री ले ली है। और गैप भी बढ़िया है प्लेटफॉर्म के बीच का, ये मतलब मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही नोटिस कर रहा हूँ। चलिए छोड़िए, ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस बात पे। और भी ट्रेन आ गई है भाई, अरे ड्यूटी से आ गया। चलिए अब ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं। हार्ड ब्रेकिंग नहीं करेंगे, एकदम धीरे से बस। चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रेगुलर देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग डीजल लोको हॉल करेंगे विथ ICF रेक्स। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के रिलेटेड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।